नमस्कार, आरवी टीवी आप सबका स्वागत करता है। हर वर्ष पूरे विश्व भर से लगभग 25,000 से भी ज्यादा आनंद मार्गी विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन में भाग लेने बंगाल के पुरुलिया जिले के आनंद नगर जाया करते थे, परंतु पूरे विश्व में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस और उससे उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए आनंद मार्ग प्रचारक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा विश्व स्तरीय आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन 29, 30 एवं 31 मई 2020 को जो आनंद नगर पुरुलिया पश्चिम बंगाल में होना तय था उसे स्थगित कर दिया गया। साधकों के मानसाध्यात्मिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पुरोधा प्रमुख श्रद्धेय आचार्य विश्व देवानंद अवधूत जी ऑनलाइन लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से संघ के साधक साधिकाओं को आध्यात्मिक प्रवचनों के द्वारा संबोधित किए, जिसका प्रसारण आनंद मार्ग प्रचारक संघ यूट्यूब चैनल, आनंद मार्ग सेंट्रल यूट्यूब चैनल एवं आनंद मार्ग लाइव डॉट ओ आर जी के वेबसाइट पर किया गया, जिसका लाभ विश्व भर के आनंद मार्गियों ने उठाया। श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्व देवानंद अवधूत जी ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है सात्विक भोजन करना, शुभ चिंतन करना, भजन करना, कीर्तन और साधना में निमग्न रहते हुए नियमित आसन, कोसकी एवं तांडव का अभ्यास करना, साथ साथ स्थानीय सरकार के बताए गए नियमों का भी पालन करना है। लेकिन ये महामारी चल रही है, इस पेंडेमिक people are restless and some are confused what will happen but the spiritual aspirants according to Veda do not fear from anything, let it be COVID-19, let it be COVID-100 or anything, so we should not fear. Who fears? किसको भय लगता है? जो अच्छे बुरे कर्म करता है, अच्छा आचरण नहीं करता है, अच्छा पवित्र भोजन नहीं करता है, वही जो है प्रकृति का ग्रास बनता है। वन हू होप्स विथ प्योरिटी eats sentient food, does sadhana, bhajan, kirtan, become one with God and doing kirtan. क्या कहेगा? इस लीला नंद में साधक भक्त लोग क्या करते हैं, उनका जब तरंगित हो जाते हैं तरंगों से, नंदनिक तरंगों से नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। नहीं हम लोग करें, पवित्र भोजन खाएं, सेंटेड फूड खाएं, साधना करें, ध्यान करें, नथिंग विल हैपन। ऑनलाइन रावा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। साथ ही तीनों दिन ऑनलाइन रावा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों के कलाकारों ने अपने अपने घरों में रहकर गायन, वादन, नृत्य एवं नाटिका के वीडियोस बनाए, जिनको YouTube के आर्यो टीवी चैनल पर हर अगले दिन प्रसारित किया गया। रावा के इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र था प्रौढ़ डिमांड ऑफ द डे। इस लॉकडाउन में वहाँ से अनाज यहाँ आएगा कैसे? जी, ईद आ रहा है, क्या हम इस कहाँ से पहनेंगे? तुम ही बताओ, क्या तुम देख नहीं रही कि इस लॉकडाउन में पापा ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं? पता दीदी, जब आप आराम कर रहे थे मकान मालिक, अरे काहे का मकान मालिक, झोपड़ी मालिक का न तो धन का घर है और न ही पानी और बिजली की व्यवस्था।
मुझे तो दीदी कलेक्टर बनना है। तो बड़े बड़े ख्वाब देखने से होगा, पापा के पास इतने पैसे कहाँ है। प्राइवेट अस्पताल में कितना हाईफाई रेट। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार घरों में रहकर ही अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। सभी समस्या का निदान है, प्रौत है सर, ठीक ना, प्रौत ही एक पूरा समस्या का निदान है धरती पर।